राम राम, मैं देवांशु पद्मनाभ और ये ग्वालियर किले में मेरा ये जो भ्रमण है ये चल रहा है। क्योंकि मैंने आपसे कई बार कहा कि ये कितना विशिष्ट और इतना विशाल क्षेत्र है जहाँ पर कि एक बार में आकर के सब कुछ दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए बार बार आना पड़ता है। तो किला गेट से जब हम आगे बढ़ते हैं और चतुर्भुज मंदिर के बाद गजासुर संहार की खंडित प्रतिमा से जब पुनः किले में प्रवेश करने के लिए आगे चलते हैं तो यहाँ पर दीवारों पर प्रतिमाओं की अपश्रृंखला देखते हैं। इन प्रतिमाओं की विशेषताओं से मैं आपको परिचित कराऊँगा, आप मेरे साथ धैर्यपूर्वक बने रहें। ये आप सामने देख रहे हैं, सामने महादेव शिवलिंग दिखाई पड़ते हैं, आप ध्यान से देखें, खंडित हो गए हैं लेकिन आप इन्हें एक क्षण में ही पहचान सकते हैं कि ये शिवलिंग हैं। और यहाँ पर पुनः भगवान शिव की ही प्रतिमाएं थीं जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं, खंडित कर दी गई हैं। इसी तरह से दीवारों में हम प्रतिमाओं की एक श्रृंखला देखते हैं और यहाँ पर पुनः आप शिवलिंग का चिन्ह पाते हैं, पुनः प्रतिमाएँ हैं, यहाँ पर शिवलिंग हैं। और यहाँ एक हम जैन तीर्थंकर की प्रतिमा देखते हैं जो कि कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ी है। ये प्रतिमा यहाँ पर भी आप एक जैन तीर्थंकर की ही प्रतिमा देखते हैं और यहाँ अनंतशायी भगवान विष्णु की प्रतिमा, उसके ऊपर पुनः जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है जो कि पद्मासन में है। और यहाँ पर ये प्रतिमाओं की एक श्रृंखला सी आगे बढ़ती चली जाती है। इन प्रतिमाओं से जो बात सामने आती है वह ये कि ये सभी जो मत थे, हिंदू, बौद्ध और जैन, इनमें एक साहचर्य था, एक समन्वय था और ये पूरे इतिहास में अलग अलग कालखंड में जो राजा हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाते थे वही राजा जैन और बौद्ध मंदिरों का भी निर्माण करवाते थे। आप इसे खजुराहो में भी देखते हैं और संपूर्ण उत्तर मध्य भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पर आप पाते हैं। जैसे यहाँ भी आप देखते हैं भगवान शिव की प्रतिमा है और इधर भी ये संभवतः ऐसा लगता है जैसे महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा प्रतीत होती है नीचे जो आप देखते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर आप प्रतिमाओं की एक श्रृंखला सी देखते हैं। ये बात चूँकि ये वामपंथियों के द्वारा प्रचारित की गई कि प्राचीन भारत में हिंदू और बौद्ध मतों में बड़ा संघर्ष था, क्योंकि उन्हें डिफेंड करना था अपने इस घटिया लॉजिक को कि इस्लाम के आने के बाद आक्रांताओं ने भारत में बहुत विध्वंस किया, जो कि वे कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप देखते हैं कि ये सभी प्रतिमाएँ और ये सभी मंदिर एक ही मज़हब के द्वारा खंडित किए गए। न हिंदुओं ने कभी बौद्धों को क्षति पहुँचाई जैनों को, न जैनों ने ऐसा किया न बौद्धों ने ऐसा किया। ये प्रमाण रूप से यहाँ खड़े हैं और ये प्रमाणित करते हैं इस चीज़ को कि भारत में कभी भी इन सभी मतावलंबियों के बीच में कोई मतभेद नहीं था। मतभेद इन द सेंस कि वे शास्त्रार्थ करते थे, एक दूसरे के मतों का खंडन करते थे, लेकिन वह हिंसक नहीं था कभी भी, सम्मान करते थे एक दूसरे की विचारधारा का। और इसी तरह से यह इसीलिए ये शतियों तक पल्लवित होते रहे, बढ़ते रहे। लेकिन जब एक बुरा समय आया और आक्रांताओं ने जब इस देश में आतंक मचाना शुरू किया और ध्वंस शुरू किया तो ये सारी प्रतिमाएँ, सारे मंदिर नष्ट होते चले गए। ग्वालियर के किले में मैंने जैसे कि पहले आपसे कहा है कि यहाँ प्रतिमाओं और मंदिरों का आप भंडार पाते हैं। यहाँ 750 प्रतिमाएँ हैं इस पूरे प्राचीर पर, उरवाई गेट से लेकर के किला गेट तक जब आप घूमते हैं तो जगह जगह आप इन प्रतिमाओं को पाते हैं। और आपको पता चलता है कि ये जो प्रतिमाएं हैं और जो मंदिर हैं ये 5वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान निर्मित होती रही हैं। ये प्रतिमाएं, ये मंदिर बनवाए जाते रहे हैं, इन्हें बार बार खंडित भी किया जाता रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये गुफाएँ हैं जिन पर भी अधिकार जमा लिया गया है अब, लेकिन इन गुफाओं के भीतर घुसना संभव नहीं प्रतीत होता है क्योंकि लंबे समय से कोई इनमें गया नहीं, इसलिए जाना दुष्कर है, खतरनाक है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।